व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट टाइम, ऑप्टिमाइजेशन हमारा चल रहा था, मिनिमम मैक्सिमम हमने डिस्कस किया था, ठीक है। और आज हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्कस करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता क्या है पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारे पास जो भी फंक्शन होता है, जब हम उसको पहली दफा डेरिवेटिव लेते हैं तो हम उसको कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल, ये फंक्शन है 9x² - 4x + 5। इसका पहली दफा जब हमने डेरिवेटिव लिया तो ये हो जाएगा 9, वही वाला पावर रूल, 9 2 18x - 4, तो ये आ गया फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी फर्स्ट डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होता है। तो 18x - 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 18, और 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव नहीं होता तो नहीं लिखा। सिमिलरली ये सेकंड क्वेश्चन है 15 - x², ये फंक्शन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव -2x आ रहा है और सेकंड डेरिवेटिव खाली -2 आ रहा है। जितनी पावर ज्यादा होंगी तो सेकंड डेरिवेटिव में भी बड़ी वैल्यूज आएंगी, पावर छोटी है 2 तक की है तो सेकंड डेरिवेटिव में एक सिंगल वैल्यू आ रही है। इसलिए अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, याद है आपको कि हमने कुछ स्टेप्स डिफाइन किए थे। सबसे पहले फंक्शन होता था, उसका हम डेरिवेटिव लेते थे, जो भी डेरिवेटिव आता था हमारे पास उसको इक्वेट कर देते थे जीरो के, वहां से एक्स की वैल्यू आ जाती थी जिसको हम टर्निंग पॉइंट कहते थे। उस टर्न एक्स की वैल्यू को उठा के हम फंक्शन में पुट करते थे तो हमारे पास वहां से वाई की वैल्यू भी आ जाती थी, यानी कि पूरा पॉइंट आ जाता था, पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू आ जाती थी, एक्स की भी और वाई की भी। फिर हम ये ढूंढने की कोशिश करते थे कि एक्स और वाई मिलके जो एक पॉइंट आया हमारे पास, इस पॉइंट पे जो ग्राफ बनेगा तो ग्राफ के रिस्पेक्ट से ये पॉइंट सबसे मिनिमम पॉइंट है या सबसे मैक्सिमम पॉइंट है। यानी कि यहाँ मिनिमम का मतलब है यू शेप कर्व बनेगा तो ये सबसे नीचे पॉइंट होगा, या मैक्सिमम का मतलब है कि ये इनवर्स यू शेप कर्व बनेगा और ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट होगा, मिनिमा या मैक्सिमा होगा। उसके लिए हम एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट डिस्कस किया था, दूसरा हमने डिस्कस किया था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो कि मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो हम फॉरन जो हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव आया होता है उसको दोबारा से डेरिवेट करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है। अब हमारा कंसर्न सेकंड डेरिवेटिव के आंसर से नहीं है, सेकंड डेरिवेटिव के आंसर के साइन से है। अगर मैंने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिया और मेरे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का आंसर जो है वो की साइन, जो आंसर है उसकी साइन आई नेगेटिव, तो इसका मतलब है मेरे पास यहाँ मैक्सिमा अचीव हो रहा है। याद रखे, नेगेटिव नेगेटिव बोलूं या लेस देन जीरो बोलूं एक ही बात है। देखो यहाँ लेस देन जीरो लिखा हुआ है, सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो है, ये सेकंड केस देखें, ठीक है। नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो ही होता है। आपको पता है कि हमारे पास जो है वो ये पॉइंट होता है जीरो और ये साइड होती है ग्रेटर देन जीरो, तो ये सारी एरिया पॉजिटिव वैल्यूज होती है हमारे पास 1 2 3 4, और ये वाली साइड लेफ्ट साइड जो होती है वो हमारे पास लेस देन जीरो ही होती है, इसीलिए हम लेस देन जीरो को नेगेटिव भी कहते हैं। तो चाहे ग्रेटर देन जीरो बोलूं या लेस देन जीरो बोलूं, इसका मतलब यही होता है कि हमारे पास पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन और नेगेटिव का मतलब लेस देन जीरो। तो अगर मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, जैसे ये देखें ये लेस देन जीरो यानी कि नेगेटिव आ रहा है सेकंड डेरिवेटिव, तो अगर नेगेटिव आ रहा है ये देखें, तो यहाँ पे मेरे पास क्या अचीव होगा, फंक्शन के उस पॉइंट पे एक्स नॉट यानी कि क्रिटिकल पॉइंट पे हमारे पास क्या अचीव होगा, मैक्सिमा। नेगेटिव पे मैक्सिमा और पॉजिटिव पे, अगर पॉजिटिव आंसर आया है इसका सेकेंड डेरिवेटिव का तो पॉजिटिव पे मिनिमा, ठीक है। अब ये हरगिज ये नहीं कह रहा मैं कि मैक्सिमा है तो ग्राफ इधर बनेगा मिनिमा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये पॉइंट पॉइंट यहां पे था या यहां पे था, कहीं पे भी पॉइंट था, उस पे मैक्सिमा बनेगा ऐसा ग्राफ बनेगा या यू शेप वाला बनेगा, ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा सेकंड डेरिवेटिव के टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं
उसके वैल्यू की साइन, अगर उसकी वैल्यू की साइन सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू की साइन नेगेटिव है, तो चाहे पॉइंट यहाँ आया था टर्निंग या टर्निंग पॉइंट यहाँ आया था, अगर नेगेटिव है तो ये नीचे वाला ग्राफ बनेगा, और अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पे वहां पे मिनिमा बनता है। तो ये देखो यहाँ इस ग्राफ में सबसे ये पॉइंट मिनिमम है, तो इस सूरत में मिनिमा बनेगा, ठीक है। और गलती से नीचे मिनिमा लिख दिया था मैंने, ये पहले ये मिनिमा मैक्सिमा जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से लिखा हुआ है। अगर ये वाला ग्राफ बनेगा तो ये मैक्सिमा है, ऊपर वाला ग्राफ बनेगा तो ये मिनिमा है, ठीक है। नीचे वाला ग्राफ बनता है अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जो है नेगेटिव आया, तो ये नीचे वाला ग्राफ बनता है, ये वाला यू शेप, इस तरह का ग्राफ बनता है, नीचे की तरफ मुड़ के यू शेप ऐसे। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमा बनता है अगर नेगेटिव है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आया है तो फिर पॉजिटिव पे हमारे पास इस तरह का ग्राफ बनता है ऊपर मुड़ के, इसी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल यही है, तो इस पॉइंट पे इस तरह का ग्राफ बनेगा, तो मिनिमा बनेगा। बस ये बातें याद रखें कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट निकाल रहे हैं, अगर आंसर की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के नेगेटिव है, हमें वैल्यू से फिर बता रहा हूँ कोई कंसर्न नहीं है, आंसर के साइन से कंसर्न है। अगर आंसर नेगेटिव है, आंसर की वैल्यू आंसर का साइन नेगेटिव है, तो मैक्सिमा बनेगा, गारंटी हो गई उस पॉइंट पे। और अगर आंसर का साइन पॉजिटिव है तो मिनिमा बनेगा, ठीक है। ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था, उसकी स्लाइड्स डिस्कस कर रहा हूँ मैं भी आप लोगों के साथ। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं यूजिंग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, जल्दी से। तो स्टेप्स क्या हैं, जल्दी से करके मुझे फिर आप वन बाय वन आंसर करेंगे कि सर हमारा डेरिवेटिव ये आया, फर्स्ट डेरिवेटिव जब मैं पूछते चला जाऊंगा तो ये आया है, जो है हमारा क्रिटिकल वैल्यू पॉइंट ये आया है, सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट का आंसर सर ये है, और मैक्सिमा बन रहा है या मिनिमा बन रहा है ये आप मुझे बताएंगे, ये एग्जाम्पल है जल्दी से। तो तरीका मैंने आप लोगों को बताया है, फिर से एक छोटी सी एग्जाम आपको जो है वो आइडिया दे रहा हूँ। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव लेने के बाद सेकेंड स्टेप में उस डेरिवेटिव को इक्वेट कर दें जीरो के, जब जीरो के इक्वेट करेंगे वहां से वाई की वैल्यू आ जाएगी, उस वाई की वैल्यू को आप क्या करें उठा के फंक्शन में, ओरिजिनल ये जो फंक्शन है इसमें वापस पुट कर दें, तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी, पूरा x कॉमा वाई यानी कि पूरा पॉइंट आ जाएगा। उस पॉइंट के बाद आप उस जो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था उसी का सेकंड डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव का आंसर अगर आपका नेगेटिव आ रहा है तो आप कहेंगे मैक्सिमा है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप कहेंगे मिनिमा है। जल्दी से करके दिखाएं मुझे ये, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, मैंने बहुत ज्यादा लेक्चर्स आप लोगों को 6-7 लेक्चर्स दे दिए, अब मैं आप लोगों से करवा के साथ डिस्कस करूंगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं, देखूँ तो सही आपको स्टेप्स आए हैं, क्योंकि आगे मिड टर्म सर पे है, आप लोगों ने मिड टर्म एग्जाम में जाना है, प्लीज ये जल्दी से करें, ठीक है, जल्दी जल्दी करके मुझे दिखाएं, बताएं क्या आंसर आ रहा है। आवाज आ रही है ना मेरी आप लोगों को? हेलो सीआर साहब, जी सर, आवाज आ रही है? ठीक चलो गुड है, जल्दी से इसको सॉल्व करो इस क्वेश्चन। है, सबसे पहले मुझे
इस क्वेश्चन के आंसर करेगी अनीका कि सर मेरा ये आंसर आना शुरू हुआ है। उसके बाद जो है ये हमारे पास हमजा ताहिर बैठा है, ठीक है, और काशान उसके बाद बताएगा। उनसे पहले भी अगर कोई बताना चाहे अनीका से तो बता सकते हैं, बाहत वगैरह अगर बताना चाहे। ठीक है प्लीज ये। और फोर्थ पे जो है वो जोया की बारी है, हमारा एक और यार स्टूडेंट और भी है ना, वो कहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक है ये जल्दी से मुझे करके बताएं। यू हैव एग्जैक्टली 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ताकि मैं क्रॉस जज तो करूं आप लोगों का, साथ साथ ये प्रैक्टिस यहीं पे आप लोगों की जो है वो एग्जाम्स लेना शुरू करो, ताकि आप लोग इस काबिल हो जाएं कि मिड टर्म आपका आराम से सॉल्व हो जाए। जी किसने सॉल्व कर लिया जल्दी बताएं, फंक्शन का डेरिवेटिव बताएं क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। फोर वालेकुम अस्सलाम। हाँ काशन बेटा, गुड। एक्स माइनस 24 फर्स्ट गुड डेरिवेटिव, और टर्निंग पॉइंट आएगा 6, ठीक है, और उसका सेकंड डेरिवेटिव आएगा 4, सेकेंड डेरिवेटिव आ रहा है 4 1.6 4 टू4
टर्निंग पॉइंट के साथ पॉइंट दूसरा वैल्यू नहीं निकाली वाई की, नहीं सर वो नहीं निकाली, अभी निकाल देते हैं। अभी निकालनी होती है ना। सिक्स को सिक्स फंक्शन में पुट करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है? नहीं, सिक्स को फंक्शन में पुट करना है, अभी कर देते हैं। -62 -62 आ गया। अब उस आपने फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद उसका सेकंड डेरिवेटिव निकाला तो आंसर 4 आ रहा है। 4 का मतलब है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है तो जो है क्या बनेगा, पॉजिटिव आ रहा है तो 6 और -40 4 और -62, 4 और -62 कहाँ पे होते हैं? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ग्राफ के, तो फॉर एग्जांपल ये है हमारा पॉजिटिव 4, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू -62, इधर नीचे की तरफ होगी -62। फॉर एग्जांपल ये रही -62, तो 4 और -62 पे आपके पास क्या अचीव हो रहा है? आंसर सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव है, पॉजिटिव पे हमारे पास मिनिमा अचीव होता है। तो ये वो पॉइंट है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें अचीव क्या हो रहा है, मिनिमा, मिन सॉरी गलत बना दिया मैंने, ये मिनिमा है तो यूं बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। पॉजिटिव पे मिनिमा अप होता है तो ये ऊपर की तरफ बनेगा यू शेप, ऐसे आधा ये ग्राफ बनेगा और आधा इस तरफ बनेगा। ये जो ये वाला पोर्शन है ये नहीं बनेगा, नीचे वाला, ठीक है? तो इस तरह का ग्राफ होगा आपका। क्लियर है ये बात? यस सर। इसके बाद जो है हमारे पास आगे देख लेते हैं, एक और एग्जांपल है, ठीक है? इसमें देखें, इसके अंदर जब उसने सॉल्व किया तो डेरिवेटिव आ रहा है 10 माइनस 2x, जब उसको इक्वेट किया 0 की तो x की वैल्यू आ रही है 5, जब उस x की वैल्यू 5 पे जो है फंक्शन हमारे पास उसको उठा के पुट किया फंक्शन में तो आंसर आया 40, तो 5,40 हमारे पास पॉइंट आ गया। सेकंड डेरिवेटिव लिया, आंसर नेगेटिव आया, तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर नेगेटिव आने का क्या मतलब है कि मैक्सिमम बनेगा, मैक्सिमम इनवर्स यू शेप का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का। पॉइंट आप एग्जैक्ट लोकेट कर लीजिएगा x, y, 5,50, 40, फॉर एग्जाम्पल 5,40 इधर कहीं है x में, x एक्सिस में आपके पास है 5, ये रहा 5, y एक्सिस में 40, प्लस का 40 ऊपर होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इधर जाके 40 आ रहा है कहीं, 10, 20, 30, 40, यहाँ आ रहा है 40। इस पॉइंट पे जो है वो क्या बनेगा, मैक्सिमा। तो ये रहा वो पॉइंट 5,40 इधर, ये यहाँ कहीं होगा वो पॉइंट, ठीक है? यहाँ और यहाँ के हिसाब से तो यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ मैक्सिमा का ग्राफ बनेगा, ये मैक्सिमम पॉइंट होगा, बाकी सारे पॉइंट इससे छोटे होंगे कहीं, ठीक है? इस तरह से मैक्सिमा बनेगा। अच्छा फर्दर देख लेते हैं इसको, ठीक है? तो इसके बाद हम एक नई कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं, स्लाइड नंबर 9।
चैप्टर नाइन, ठीक है। उसी को कंटिन्यू रखा हुआ है हमने। ये एक और एग्जांपल है, इसमें फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव आ गया, फिर उस डेरिवेटिव पे हमने टर्निंग पॉइंट निकाल लिए। बाजू का एक से ज्यादा टर्निंग पॉइंट आते हैं। देखो ये क्यूब का फंक्शन है तो स्क्वायर का डेरिवेटिव आ रहा है, जब स्क्वायर के डेरिवेटिव को इक्वेट किया जीरो के तो क्वाड्रेटिक वैल्यू है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा दो रूट्स आते हैं, यहाँ दो वैल्यूज आ गए। एक को हमने एक्स वन कह दिया, एक्स की एक वैल्यू को एक्स वन कह दिया, दूसरी वैल्यू को एक्स टू कह दिया। जब इस एक्स वन को उठा के फंक्शन में पुट करेंगे, जब इस एक्स वन को उठा के फंक्शन में पुट करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे वाई वन। तो एक्स वन वाई वन एक पॉइंट हो गया, फिर ये एक्स टू, ये दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है हमारे पास पॉइंट की वैल्यू आई, टर्निंग पॉइंट आया, दूसरा टर्निंग पॉइंट आया। ये पॉइंट अधूरा है, इस एक्स टू को उठा के फिर फंक्शन में पुट करेंगे तो वाई टू, तो एक्स वन वाई वन एक पॉइंट आ जाएगा, एक्स टू वाई टू दूसरा पॉइंट आ जाएगा। अब दो टर्निंग पॉइंट्स आ गए। अब इन दो टर्निंग पॉइंट्स में से किस पे क्या है, किस पे कौन सा ग्राफ में मिनिमा बन रहा है और कौन सा मैक्सिमा बन रहा है, ये जो है आइडेंटिफाई करने का टाइम आ गया। तो हम इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे आगे फर्दर। उसके लिए हम क्या कहेंगे, दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए, फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल देंगे। सेकंड डेरिवेटिव जैसे निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद उस सेकंड डेरिवेटिव के अंदर एक दफा एक्स वन वाई वन वाला पॉइंट पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उस पॉइंट के आंसर पे पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, उस पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है मैक्सिमा, हमें आइडिया हो जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव निकालने के बाद जो सेकंड डेरिवेटिव निकाला हुआ था, एक दफा पहला पॉइंट पुट किया तो आइडिया हो गया कि पहले पॉइंट में मिनिमा आ रहा है या मैक्सिमा। दूसरी दफा दूसरा पॉइंट पुट किया उसी सेकंड डेरिवेटिव, मतलब दूसरे पॉइंट की भी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि वहां मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। इस तरह से हमने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया अपने पास, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया तो ये आया आंसर। अब यहाँ पे ये लिखा हुआ देखें, प्रीवियस एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव कांस्टेंट था, और ये मैंने आप लोगों को जब मैं शुरू की स्लाइड बता रहा था जहां डिस्कस भी किया था, बताया भी था कि सेकंड डेरिवेटिव अगर डायरेक्ट नंबर आ रहा है तो उससे तो आइडिया हो जाता है कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, तो वहीं से उसका आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। यहाँ सेकंड डेरिवेटिव इक्वेशन की फॉर्म में आ रहा है, तो यहाँ इक्वेशन की फॉर्म में जब आता है तो हम क्या करते हैं, एक दफा x1 दो पॉइंट आए, एक पॉइंट होता तो एक ही x, एक पॉइंट की जो x की वैल्यू थी वो पुट कर लेते, तो आंसर पता चल जाता कि पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया। यहाँ दो पॉइंट आए हुए हैं तो एक दफा एक पॉइंट के बारे में उसका नेचर देखेंगे कि वहां मैक्सिमम बन रहा है मिनिमम, दूसरी दफा दोबारा वही दूसरा पॉइंट यहाँ x की जगह पुट करेंगे, दूसरी x पॉइंट की x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो उससे ये भी पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे भी मैक्सिमम या मिनिमम में से क्या बन रहा है। तो इस तरह से हम आइडिया लगा लेंगे। अब यहाँ लिखा हुआ देखें क्या है, इन द प्रीवियस एग्जांपल सेकंड डेरिवेटिव्स वर कांस्टेंट एंड वी गॉट द कंक्लूजन राइट अवे, हाउएवर इन द अबव एग्जांपल इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, देयरफॉर फॉर द कंक्लूजन वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ टर्निंग पॉइंट। अब यहाँ दो टर्निंग पॉइंट आए, यानी दो पॉइंट्स थे, इन द सेकंड डेरिवेटिव तो उससे हमें आइडिया हो जाएगा। तो अब देखें, पहले आंसर में फर्स्ट वी विल टेस्ट x इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमारे पास एक दफा x 7 कॉमा समथिंग आया है, 7 के साथ एक पॉइंट आया है, एक दफा 3 कॉमा समथिंग आया है, x1 y1 आया है और फिर x2 y2 आया है। तो पहले 7 जो टर्निंग पॉइंट आया है इसको उठा कर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे ताकि इस पॉइंट के ये नेचर पता चल जाए। जब हमने 7 उठा के उसमें पुट किया यहाँ पे पीछे, तो 7 6 42 42 माइनस 30 पॉजिटिव आंसर आ रहा है, पॉजिटिव पे मिनिमा आएगा, तो पहले पॉइंट पे मिनिमा आ रहा है, देखें यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है।
अच्छा, और साथ ही 7.0 पूरा इसने निकाल लिया, 7.59। उस पॉइंट का नाम क्या है? 7.59। ठीक है, मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि टर्निंग पॉइंट निकालते ही फंक्शन में पुट कर दें। यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया हुआ है, इसमें ये y की वैल्यू थोड़ा बाद में निकालते हैं, हम पहले ही x निकालते ही उसको उठा के फंक्शन में पुट करते हैं, y आ जाता है, उसके बाद हम जो है वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं और फिर चीजें चेक कर रहे होते हैं। तो ये 7.59 पे वो कह रहा है कि मिनिमा आ रहा है, मिनिमा। तो प्लॉट कर लीजिएगा एग्जैक्ट 7x में और y में 59, और यहाँ पे मिनिमा आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पे क्या आ रहा है वो देख लेंगे। सो नाउ x इक्वल्स टू 3 वाली वैल्यू उठा के जब हम फंक्शन में पुट करेंगे, 3 3 6 3 जा 18, 18 माइनस 30, 30 बड़ा है, नेगेटिव का आंसर आएगा। नेगेटिव पे हमेशा मैक्सिमा आता है, तो सेकंड पॉइंट पे हमारे पास देखें मैक्सिमा आ रहा है, और उस पॉइंट की वैल्यू का नाम है 3.91। तो एक पे मिनिमा आ रहा है, एक पे मैक्सिमा आ रहा है, तो कुछ ग्राफ यूं बनेगा। पहले वाले पे मिनिमा, बल्कि एक्स इज इक्वल टू 3 पहले आता है, तो पहले मैक्सिमा होगा और फिर जाके आगे चल के एक मिनिमा आएगा, मिनिमा का ग्राफ होगा, तो कुछ इस तरह का ग्राफ होगा। ये एक्स इज इक्वल टू 3 पे जाके बनेगा ये वाली वैल्यू, और वो एक्स इज इक्वल टू 7 पे बन रही है जाके। ठीक है, और वाई की वैल्यूज तो आपके सामने है, जैसे इस तरह का कुछ अगर हम ग्राफ बना लें जिसमें पहली वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पे बन रही है, ये 3 है एक्स की वैल्यू, यहाँ y की वैल्यू 91 है, रफ प्लॉटिंग आपको करके दिखा रहा हूँ, और दूसरा जो है x की वैल्यू आ रही है 7, जो हमने पहले इत्तेफाक से हमने जो पहले हमारे पास जो पहली आई थी x1y1, और इस पे मिनिमा बन रहा था, तो इस पे y की वैल्यू थी 50 शायद, देख लेते हैं पीछे से, हाँ शायद 50 थी, 59 थी, जो भी थी। ठीक है, जो वट एवर इट इज 50 और 59। सो हमें जो है वो ये हमने ठीक है, तो इस तरह से ये देखें, अगर हम इसको 1 मिनट देखें तो यहाँ देखें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैं पहले वाले पॉइंट पे आंसर आया था 59, देखिए एग्जैक्ट मुझे याद आ गया था, तो मैक्सिमम और मिनिमम इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो ये आप लोगों को सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, हम जो है उसको अपने मीटिंग को रीस्टार्ट कर रहे हैं, वो हमारा टाइम खत्म हो रहा है, ताकि फिर हम इसी को कंटिन्यू करें यहीं से आगे। ठीक है।